sarvavyapi sarvabhutantaratma. Sarvavyapi, sarvabhut में जो गुण रूप में है इतना ही यथेष्ट नहीं है. He is all pervading, all pervasive, sarvavyapt. सर्वभूतांतर आत्मा. अब और एक बात है, हर सत्ता में कहा गया एक पर पुरुषन है और एक अपर पुरुषन है. अपर पुरुषन है क्या ना, डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ पर पुरुषन. पर पुरुषन का पर का विकृत रूप है अपर. तो हर वस्तु में पर अपर दो हैं. तो किसी विशेष वस्तु का जो पर पोर्शन है वो क्या है न, वस्तु की आत्मा, और अपर पोर्शन क्या है न, वस्तु की देह. एक ह्यूमन बॉडी में भी जो पर पोर्शन है वो क्या है, उनकी आत्मा, उनकी रूह, और उनका जो शरीर है, मन है, ये सब क्या है, वो है देह पोर्शन. ये पर पोर्शन से अपर पोर्शन का अगर डिटैचमेंट हो जाए उस दशा में कहेंगे कि ये मर गए. और डिटैचमेंट का कारण रहता है कि फिजिकल बॉडी का डिफॉर्मेशन ड्यू टू डिजीज, अथवा मेंटल बॉडी का डिफॉर्मेशन ड्यू टू बेसर थॉट्स. मनुष्य की चिंता जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की चिंता नहीं है, उसकी भावना है पशु के माफिक. तो मनुष्य के बॉडी के साथ पशु का मन अधिक दिन एडजस्टेड नहीं रहेगा, वो मर जाएगा. पाप से भी मौत होती है, अधिक पाप करने से भी मनुष्य मरता है, उसका कारण नहीं है. और मनुष्य जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं, मन परमात्मा के मन का समान हो गया, उस दशा में उनकी जब मौत होगी तो वो तो परमात्मा का मन, उसका मन एक है, उसके लिए फिजिकल बॉडी की जरूरत नहीं होगी. जैसे परमात्मा को फिजिकल बॉडी की जरूरत नहीं होती है उस तरह की, इसलिए उनको कहते हैं मुक्त पुरुष. और नहीं तो पर और अपर, बॉडी के आत्मा और शरीर अलग हो जाने से जब तक उसके मन में इनिट माइंड जिंदा रहेगा तब तक उनको बार बार शरीर में आना पड़ेगा. और मन का जो रिएक्टिव मोमेंट है जिस तरह के थे ठीक उसी प्रकार का शरीर मिलेगा. इसलिए एक बार मरने से ही मरण हो गया सो बात नहीं, बार बार आना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा. जातश्चैव जगति जन्तव साधु जीविता ये पुनर्नेह जायन्ते शेषा जठरगर्दवा. जिनका जीवन साधुता से पूर्ण था, जो साधक मनुष्य थे, वो जब मरते हैं वो दोबारा नहीं आते हैं, और बाकी लोग बार बार आते हैं कुत्ता बकरा गधा के माफिक. तो मनुष्य का शरीर जिसको मिल गया उसको चाहिए इस शरीर का, इस मन का पूरा उपयोग करे ताकि दोबारा आना नहीं पड़े. तो सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा. तो सत्ता में, हर सत्ता में जो पर पोषण है वही है उनकी आत्मा, उनकी रूह, बाकी है उनकी देह. तो यह जो रूह है इसी को कहते हैं जीवात्मा. तुम्हारा शरीर है, उस शरीर में तुम्हारी आत्मा भी है, वो है जीवात्मा.